टॉपर्स क्यों बने उसकी सबसे पहली वजह है उनकी टॉपर्स मेंटेलिटी। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई पढ़ाई नहीं कर सकता, वो सोचते हैं ऐसा कि मैं एक बार अगर किसी चीज को पढ़ लूंगा मुझे याद हो जाएगा। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा हार्डवर्किंग नहीं है कोई क्लास में, इसीलिए वो टॉपर होता है। आप कभी चेक किया करो, क्योंकि वो जानते हैं यार कि आजू बाजू जो 50-60 बच्चे बैठे हैं ना, उनकी औकात नहीं है मुझे हराने की। ऐसा चैंपियन मेंटेलिटी होता है उनका। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है कि ऐसा कुछ नहीं है यार कि वही टॉपर बनेगा, टॉपर मैं भी बन सकता हूं। तो रूटीन क्या है जरा उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो टॉपर्स की खास बात होती है कि वो जल्दी उठते हैं, ऐसे नहीं पड़े रहते, जल्दी उठते हैं। अब जल्दी का मतलब समझिए, कई बच्चों के लिए जल्दी होता है 8 बजे 7 बजे। भाई साहब जल्दी 8 और 7 नहीं होता है, बाय द वे 8 और 7 भी लेट ही होता है। कई लोगों को लगता है 7-8 बजे उठना लेट होता है, ओ माय गॉड तो जल्दी क्या होता है। तो जल्दी मैं आपको बताता हूँ, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठने का, जो आपके माइंड को फ्रेश रखता है। 4 बजे उठो, ये सबसे सही समय है उठने का। और जितने टॉपर्स हैं वाकई में उन्होंने टॉप किसलिए किया है, चाहे वो किसी भी लेवल के टॉपर्स हों, वो जरूर जल्दी उठते होंगे सुबह सुबह 4 बजे उठने का। आप में से कितने बच्चे हैं जो 4 बजे उठते हैं सुबह 4 बजे? तो टॉपर्स जो होते हैं बेटा बेसिकली वो 4 बजे उठते हैं, है ना, ऑब्वियसली यार। लेकिन कई लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, यार उनको लड़की की जरूरत नहीं है, जो पड़ोसन 4 बजे उठेगी तो मैं उठूंगा ना, मुझे मेरे टारगेट के लिए 4 बजे उठना है, समझ में आ रहा है, मुझे टॉपर बनना है, उस मेंटेलिटी के लिए 4 बजे उठना है। सो ये आपको हमेशा बूस्ट करती है, अदरवाइज आप सिर्फ लड़कियां ही ढूंढते रहोगे, 4 बजे कौन सी लड़की उठती है तो मैं उठूंगा, अदरवाइज मैं नहीं उठूंगा।